नमस्कार दोस्तों, मैं विनीता क्रिएटिव विनीता चैनल पे आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वेजिटेबल ऑग्रेटिन की रेसिपी। तो चलिए जानते हैं वेजिटेबल ऑग्रेटिन को कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले हम सब्जियों को बॉईल करेंगे। मैंने यहाँ एक बड़े आलू को क्यूब्स में काट के रखा है, पहले उसे ऐड कर देंगे। साथ ही हम गाजर को ऐड कर देंगे, एक गाजर को भी मैंने उसी शेप में काट के रखा है। साथ ही हम ऐड कर देंगे ब्रोकली, आप चाहो तो फ्रेंच बीन का भी इस्तेमाल कर सकते हो, और मटर अगर आप फ्रेश लो तो उसे भी अभी ऐड कर दें। मैं फ्रोजन मटर का इस्तेमाल करूँगी, तो बाद में सारी सब्जियाँ बॉईल होने के बाद ऐड करेंगे। सब्जियाँ हमारी बॉईल हो चुकी है, तो मैंने कॉर्न डाला है, वो भी फ्रोजन है, साथ ही फ्रोजन मटर को भी मैंने डाल दिया है। अब इसे हम स्ट्रेन कर लेंगे। सब्जियाँ हमें ज़्यादा नहीं पकानी है, ना ही कच्ची रखनी है। अब हम बनाएंगे व्हाइट सॉस। गैस ऑन करके 1/4 कप हम डालेंगे बटर। बटर को हम मेल्ट होने देंगे, साथ ही हम डाल देंगे 1/4 कप मैदा। और मैदा को भुनना नहीं है, बस कलर चेंज होने तक इसे हमें पकाना है। गैस की आंच हम धीमी रखेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे 2 कप रूम टेम्परेचर का दूध। एक साथ सारा दूध हम नहीं डालेंगे, धीरे धीरे करके डालेंगे ताकि लम्स ना पड़े। हमने 2 कप दूध डाल दिया। स्पैचुला की मदद से हम इसे मिक्स कर रहे हैं। आप चाहो तो विस्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, अगर लम्स दिखाई दे आपको। मैंने यहाँ विस्कर ले लिया है, कंटिन्यूसली इसे चलाते रहेंगे। व्हाइट सॉस हमारा बनके तैयार है। अब इसमें हम डालेंगे चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून। 1 टीस्पून हम डालेंगे ऑरिगेनो। 1 टीस्पून इसमें हम डालेंगे ब्लैक पेपर पाउडर। अगर आपके पास जायफल यानी नटमेग हो तो उसे भी आप 1 टीस्पून डालें, उससे उसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है। साथ ही हम डाल देंगे नमक स्वाद के अनुसार, ज़्यादा नमक नहीं डालें, इस डिश में ज़्यादा नमक अच्छा नहीं लगता है। चीज़ भी ऐड करेंगे तो उसमें भी नमक होता है। साथ में सारी सब्जियों को हमने ऐड कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे चीज़। मैं यहाँ मोजरेला चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप प्रोसेस चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हो। करीबन 1 से 2 चम्मच हमने चीज़ का इस्तेमाल किया है। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। गैस को अब बंद कर देंगे और इसे हम बेकिंग डिश में ट्रांसफ़र कर लेंगे। माइक्रोवेव को मैंने 200 डिग्री सेल्सियस पे 10 मिनट के लिए प्रीहीट होने के लिए रख दिया है। अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे हम मोजरेला चीज़। आप केवल मोजरेला चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हो, या प्रोसेस चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हो, या दोनों चीज़ हो तो दोनों चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हो। चीज़ को अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। सारी चीज़ को हमने स्प्रेड कर दिया है। माइक्रोवेव भी प्रीहीट हो चुका है। अब इसे हम 200 डिग्री सेल्सियस के लिए 10 मिनट के लिए बेक करेंगे। 10 मिनट से ज़्यादा हमें इसे बेक नहीं करना है। ये ऑग्रेटिन हमारा बेक होके तैयार है। अच्छे से आप देख सकते हो ये बेक हो चुका है। ये सर्व होने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप इसे ऐसे ही सर्व कर सकते हो, और चाहो तो गार्लिक ब्रेड के साथ इसे आप सर्व कर सकते हो। इसे हम सर्व कर लेंगे। काफ़ी अच्छी तरह से बेक हुआ है। बहुत ही चीज़ी वेजिटेबल ऑग्रेटिन हमारा बनके तैयार हुआ है। आप इसका टेक्सचर देख सकते हो। न्यू ईयर के पार्टी के अवसर पे आप इस रेसिपी को एज ए स्टार्टर ज़रूर ट्राई करें, और अपने अनुभव मेरे साथ जरूर से शेयर करें। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर से शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई रेसिपी के साथ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।